और आदेश में सबसे बड़ा सवाल यह कि किसानों के नाम पर जो प्रदर्शनकारी सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं, आंदोलन जीवी कहिए, इन जगहों को आंदोलन की जगह कहना चाहिए या अपराध का अड्डा कहें। वक्त आ गया है कि पूरा देश देश हित में इस सवाल पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि आतंकवादी संगठन खालिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले इस आंदोलन पर लाल किले दंगों के भी आरोप है, आंदोलन में शामिल लोगों पर बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, और अब आंदोलनकारियों पर आंदोलन की पब्लिसिटी के चक्कर में, आंदोलन को चमकाने के चक्कर में व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने एक 42 साल के युवक को जिंदा जला दिया, मार दिया, सिर्फ आंदोलन चमकाने के लिए मार डाला क्या? मृतक युवक बहादुरगढ़ का रहने वाला था, उसे पहले शराब पिलाई गई और फिर किसान आंदोलन के नाम पर शहीद होने की बात कहके कि आत्महत्या बता दिया जाएगा, आत्महत्या दिखा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा देखो एक और शहीद हो गया आंदोलन के नाम पर, उसको मार दिया गया, तेल छिड़क कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मृतक ने मरने से पहले बयान में कहा कि उसे एक सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने आग लगाई, डाइंग डिक्लेरेशन आप देखने जा रहे हैं जी न्यूज पर। फिर भी राकेश टिकैत ये कहकर भ्रम फैला रहे हैं कि यह तो आत्महत्या है, जांच होनी चाहिए, आत्महत्या है। आदेशित में हम आपको उस व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन भी दिखाएंगे, सोचिए मरने से पहले कोई आदमी झूठ नहीं बोलता कभी, डाइंग डिक्लेरेशन। ये भी बताएंगे कि किसानों के आंदोलन के नाम पर कितने अपराध हो चुके हैं, किसान आंदोलन में आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर टेंट दिखाई दिए थे, कितने ट्रैक्टर आपको नजर आए थे, कट्टर ट्रैक्टर, AK-47 वाले खालिस्तानी ट्रैक्टर, खालिस्तानी झंडे, नारे सुनाई दे चुके हैं। आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को दिल्ली दंगा पार्ट 2 भी हो चुका है, पुलिस वालों पर चढ़ाई हो चुकी है, 400 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी कर चुके हैं लोग आंदोलन के नाम पर, पश्चिम बंगाल की एक लड़की के साथ किसानों के टेंट में गैंगरेप का भी आरोप लगा, आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हाय हाय मोदी मर जा तू के मृत्यु गीत गाए गए, सब कुछ हो चुका है, हिंसा, दंगा, हत्या, रेप, और अब आंदोलन में एक व्यक्ति को शहीद बताने के लिए जिंदा तक जला दिया गया। देश में आप सबको ये सोचना चाहिए, आपको ये भी जानना चाहिए कि एक मरते हुए व्यक्ति का आखिरी बयान यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन को भारतीय कानून में अंतिम सत्य क्यों माना जाता है, लेकिन पहले आपको किसान आंदोलन के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाली घटना के बारे में जानना चाहिए। क्यों सवाल उठ रहे हैं कि इंसान जिंदा जलेगा आंदोलन बढ़िया चलेगा? बोला तो 5 मिनट रुक जा, फिर तुम्हें घर नहीं चाहिए, तू याद रखा। किसान आंदोलन में जिस व्यक्ति को क्रूरता से जिंदा जला डाला गया, ये उसका मौत से पहले आखिरी बयान है। ध्यान से सुनिए कैसे आंदोलन के नाम पर एक इंसान की बलि ली गई। प्रतना आप लाई आ गए को न लाई दी तरह बोला तो 5 मिनट रुक जा, हाँ पर फिर तुम्हें घर नहीं चाहिए, जोर तू याद रखा बा रू न लाई तरह। क्रूरता की ये घटना 17 जून की है। परिवार के मुताबिक मृतक मुकेश बहादुरगढ़ के पास कसार गांव के पास गंभीर हालत में मिला, उसे पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया गया था। परिवार ने बताया कि मुकेश ने मरने से पहले बताया कि आंदोलनकारियों ने कहा कि वो उसे शहीद करेंगे। चाचा जी ने खुद अपने मुंह से ये बयान दे रखे हैं कि भाई उन्होंने खुद पेट पर पेट्रोल डाला है और कि शहीद करेंगे, ये करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि मृतक मुकेश को जिंदा जलाकर मारने के पीछे आंदोलनकारियों की साजिश क्या थी? क्या आंदोलन के फायदे के लिए मुकेश का मर्डर किया गया? क्या ये आंदोलनकारियों का प्लान था कि मुकेश को मर्डर के बाद शहीद किसान बता दिया जाए? क्या ये दिखाने की साजिश थी कि मुकेश ने आंदोलन के लिए खुद को आग लगाई? और क्या मुकेश की खुदकुशी दिखाकर देश में एक और दंगे भड़काने की साजिश थी? इन सारे सवालों पर मुकेश के परिवार का जवाब हाँ है। मुकेश के भाई टोनी ने जी न्यूज को बताया है कि सरकार को बदनाम करने के नाम पर उनके भाई की बर्बरता से बलि चढ़ाई गई। मकसद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों ने ये सोचा कि भाई इसको जलने दो, ये यहाँ मर जाएगा और इसे सरकार पर थोप दिया जाए, एक किसान और शहीद हो गया। आप किसानों के सरकार के दबाव में ये काम किया, जबकि मारे घर का तो चिराग ही जला दिया इन्होंने। मैं किसी भी नेता से पूछता हूँ, किसान नेता से,
क्या मुकेश के पास 1 इंच जमीन है? मुकेश के क्या मुकेश किसान है? नहीं। मुकेश के परिवार ने एक और खुलासा किया है कि मुकेश ना तो किसान था, ना ही उसके नाम पर खेती लायक जमीन थी, फिर भी उसे किसान बताकर आंदोलन में बुलाया जाता रहा। और 17 जून को ठंडे पड़ चुके किसान आंदोलन को सुलगाने के लिए उनके भाई को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते, मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी है। सोचिए, एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार डाला गया, क्रूरता की हदें तोड़कर एक व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन किसान नेताओं के पास उसकी सहानुभूति के लिए दो शब्द नहीं है। ये इस तरह के एलिगेशन सरकारों को नहीं लगाने चाहिए। वहां पे 500 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई है। एक बार उस पर भी खट्टर साहब बोल देते कि 500 लोग वहां पे शहादत हुई है और उनके प्रदेश में बैठे हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने झज्जर से मुकेश को जिंदा जलाने वाले मुख्य आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा इस मामले में 3 और आरोपी हैं। सभी आरोपियों पर 302 यानी हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सच सामने ना आता तो क्या कहा जाता? आंदोलन की वजह से एक और किसान ने, एक और भाई ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली आंदोलन के नाम पर, कृषि बिलों के नाम पर। ये झूठ बोला जाता? आंदोलन में जान फूंकने के लिए जान ले ली। हरियाणा पुलिस ने कहा कि बताया कि मुकेश को जिंदा जलाने का आरोपी पिछले कुछ दिनों से आंदोलन में शामिल होने के लिए आया था। जो लोग कहते हैं ना कि किसान, मतलब ये आंदोलनकारियों को कुछ मत कहिए, पुलिस ने बताया कि जिस पर हत्या का आरोप है वो आंदोलन में शामिल होने के लिए आया था, वो आंदोलन में शामिल था। सबसे बड़ी गवाही मुकेश की है, जिसे कानूनी भाषा में डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है और मृत्यु से पहले दिए गए बयान को अंतिम सत्य माना जाता है। इसलिए किसान आंदोलन के खिलाफ मृत्यु से पहले दिया गया बयान काफी अहम है। आपको मृतक मुकेश के परिवार का एक और बयान सुनना चाहिए। इस बयान में आपको हर उस जगह रहने वालों का दर्द मिलेगा जहां आंदोलनकारी सड़कों पर अपने अधिकारों के नाम पर दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, महीनों से कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। परिवार के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल लोगों की वजह से महिलाएं, बहु बेटियां घर से निकल नहीं पाती हैं। गांव में एंट्री करते हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं, बाण बेटियां खेत में नहीं जा पा रही, गाँव के नजदीक लैटरिन बाथरूम, दारूबाजी, ट्रैक्टरबाजी, स्टंटिंग सब ये हमारे गाँव में। इन्होंने बड़ी उपद्रव ने बड़ा सहन कर लिया। अब सवाल कथित किसान आंदोलन को लेकर राजनीति पर है। आज आपको टीवी चैनलों पर खोजना चाहिए, गूगल कर सर्च करना चाहिए, अखबारों में ढूंढना चाहिए कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले कितने नेताओं ने इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की। कोई बोला इस पर? सीधा सवाल, कोई मृतक मुकेश के घर गया क्या? कोई नहीं जाएगा। एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर शहीद बताने वाली मानसिकता का किसी ने विरोध किया? सोचिए कि अगर मुकेश का डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता तो उसे किसान आंदोलन में शहीद बताने वाले नेताओं की लाइन लग जाती, सवाल पूछे जा रहे होते कि देखिए एक और ने आत्महत्या कर ली, तो सच सामने आ गया। आज सवाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी है। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाने वाले राहुल गांधी क्या मृतक मुकेश के घर जाएंगे? कोई जाएगा? क्या गलती थी मुकेश की कि सिर्फ आंदोलन में जान फूंकने के लिए जान ले ली गई? क्या राहुल, प्रियंका या कोई और विपक्ष का नेता मृतक के घर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी मौत उनकी राजनीति को सूट नहीं करती है? क्योंकि जिन पर आरोप हैं उनके तो समर्थन करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं, बात मानसून की। देश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भी अगले 4 से 5 दिनों में बारिश होगी, लेकिन देश के जिन हिस्सों में पहली बरसात हो रही है वहां अभी से हालात खराब होने लगे हैं। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पुल बह रहे हैं, कहीं सड़कें बह रही हैं, पानी पानी, हर बार की यही कहानी। गांव शहर सब जगह जलभराव की दिक्कत है। उधर बिहार में तो गांव के गांव पानी, बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं। आप भी देख लीजिए, बंगाल से बिहार और बिहार से पहाड़ तक जो आसमानी आफत बरस रही है उससे कैसी मुसीबत बढ़ी है। ना ना ना
मनसुख है। 5 सेकंड के अंदर ये लकड़ी का पुल सैलाब के आगे ध्वस्त हो गया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में लकड़ी का ये पुल पहले ही बारिश की भेंट चढ़ गया। ना ना ना। हालांकि इस पुल के बहने से पहले जब लकड़ी के पुल के ऊपर तक पानी पहुंच चुका था, तब कुछ लोग इसे बहने से बचाने की कोशिश में जुटे थे। बहकर जा रही जल कुंभियों और खरपतवार को पुल के नीचे से गुजारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन तभी सैलाब के साथ जल कुंभियों का विशाल मलबा चला आता है और ये पुल उसकी भेंट चढ़ जाता है। ऐसी ही एक और तस्वीर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में भी देखने को मिली, जहां नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जो लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। यह तस्वीर रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जिस पर बना पुल पानी के तेज बहाव के कारण बह गया। जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। दरअसल बारिश की वजह से इस इलाके में बहने वाली लोआ नदी पूरे उफान पर है और नदी के तेज बहाव के कारण ही पुल टूट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल को बनाने वाली संस्था की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर अधिकारी पुल के निर्माण के वक्त इस पर ध्यान देते तो ऐसा न होता। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर रीवा रांची के बीच ये मार्ग है। दुद्धी में मीडर गांव में लोहा नदी पे एक पुल का निर्माण हो रहा था और उस पुल के निर्माण के मद्देनजर आवागमन के लिए एक अस्थायी मार्ग बनाया गया था, जिसमें 6 पुलियां लगाई गई थी, जिसका और पहली बारिश हुई है, तेज बहाव के कारण वो पुलियां बह गई हैं। ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की तस्वीर है। सैलाब पुल के गले तक पहुंच चुका है। अभी मॉनसून ने दस्तक दी ही है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जमीन में कटाव शुरू हो गया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से करीब 10 फीट तक कटाव हो चुका है और पूर्वी चंपारण के कई ग्रामीण इलाकों में नदी का पानी पहुँच गया है। नावें सहारा बनकर पहुँच रही है। लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर इतनी मुश्किल का अंदाजा लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर गया है, वो भी इतना कि अंदर रखा सारा सामान डूब गया है। कच्चे घर हैं। इन लोगों के पास इस वक्त ना ठीक से रहने की जगह है और ना ही खाने का इंतजाम। यहाँ करीब 50 घर इसी तरह नदी के पानी से तबाह हो गए हैं। मॉनसून का मौसम जैसे ही शुरू होता है, वैसे ही बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं बिहार के बगहा की, जहां पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खेत, घर, सड़क, गलियां, जिधर भी देखिए दूर दूर तक बस आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। घरों में पानी घुस जाने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। लोग बारिश और बाढ़ की वजह से बीमार भी हो रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही है। बहुत बुरा स्थिति बा सर गांव, हमके सब डूब गए बा बाढ़ पानी से, तबाही मच गए बा। ना कोनो अधिकारी, ना केहू मुखिया, ना केहू सरपंच, ना केहू सरकारी अधिकारी, केहू पहुंचल ना बनले। आधा आदमी बीमार पड़ल, ओकर कोनो सुनवाई नहीं कर। प्रशासन की तरफ से कोई मदद ना मिलने के कारण ग्रामीण पानी के तेज बहाव के बीच जान हथेली पर रखकर गांव से पलायन कर रही हैं, ताकि खुद के साथ वो अपनों को भी सुरक्षित रख सके। उत्तराखंड के चमोली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चट्टानों के खिसकने की भी घटनाएं शुरू हो गई हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। प्रशासन हाईवे पर जमा मलबे को हटाने का काम तेजी से कर रहा है ताकि जल्दी ही यातायात को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। तो वहीं निजमुला घाटी पर ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बना लकड़ी का स्थायी पुल नदी के उफान पर आने से बह गया। पुल के बह जाने से ग्रामीणों का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, तो वहीं मौसम विभाग ने मॉनसून की इस बारिश को लेकर आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि भारत में सोशल मीडिया को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया की ताकत। ये चर्चाएं ऐसे ही नहीं हो रही है। आज आपको एक खबर बताते हैं जिस पर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। उस खबर का सबसे प्रभावी पहलू सोशल मीडिया का ही है। आपने शायद वो खबर सुनी होगी, ये वीडियो भी देखा होगा कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल हटा दी। पूरा हंगामा मच गया। इस पर कंपनी को करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। पूरा हफ्ता गुजर गया, शेयर लुढ़कते ही जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रोनाल्डो सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया उसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया, बहुत तेजी से उसका प्रचार हुआ, नकारात्मक असर पड़ा और नतीजे सामने हैं। इस खबर के बाकी के पहलुओं की भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि रोनाल्डो के कोला कांड के बाद फुटबॉल के यूरोपियन चैंपियनशिप में और क्या क्या हो रहा है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। यूरोपियन चैंपियनशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो इनके सामने टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की दो बोतलें रखी थी। रोनाल्डो ने बोतलें उठाई, उन्हें कैमरा फ्रेम से दूर बाईं ओर रख दिया। सामने से पानी की बोतल उठाई, दिखाई और बोले एक्वा यानी पानी। बस 10 सेकंड की हरकत हुई, एक शब्द कहा और उस कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के डॉलर पानी की तरह बहने लगे। हफ्ता गुजरने वाला है लेकिन कंपनी के शेयर की गिरावट थम नहीं रही। कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनी के करीब 30,000 करोड़ रुपए बह चुके हैं। रोनाल्डो पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स वालों की जो फजीहत हुई उसे देखते हुए तरह तरह की हरकतें होने लगी। कुछ हरकतें उसी मंच की दिखाते हैं जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हटाई थी। ये लोकाटेली हैं, इटली के मिडफील्डर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो पानी की बोतल लेकर आए थे। आते ही पानी की बोतल टेबल पर सेंटर में रखी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल हटाकर दूर कर दी। आयोजक सतर्क था, कहा बोतल हटा नहीं देना। अब लोकाटेली ने थोड़ी दूर बोतल रखी और बैठ गए। अब इन्हें देखिए, फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा हैं। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो नहीं छुई, लेकिन नॉन अल्कोहलिक हेनिकन की बोतल हटाकर नीचे रख दी, क्योंकि ये अल्कोहल नहीं पीते। इसी मंच पर रूस के कोच स्टेनिस्लाव आए। बातचीत शुरू हुई तभी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की ओर नजर गई। दोनों बोतलें उठाई, ओपन की और गटागट 4-5 घूंट लगा ली। साथ में बैठे खिलाड़ी ने टोका, कुछ उकसाया। कोच साहब ने फिर से बोतल उठाकर 2-3 घूंट लगा ली। और इनकी सुनिए, ये यूक्रेन के फुटबॉलर एंड्री यारमोलेंको हैं। रोनाल्डो को चिढ़ा रहे हैं। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक और हेनिकन दोनों की बोतलें उठाई और अपने नजदीक रख ली, चुटकी भी ली। यूरोपियन चैंपियनशिप जैसी हाई प्रोफाइल सॉकर चैंपियनशिप में फुटबॉल के खेल से जरा सा भी कम चर्चा इन हथकंडों की नहीं हो रही है। और इन सब की शुरुआत पुर्तगाली चैंपियन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो कांड है जिसने कोका कोला जैसी कंपनी को कोल्ड ड्रिंक के आंसू रुला डाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो किया उसके बाद दुनिया भर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई उन्हें हिपोक्रेट कह रहा है, कोई हेल्थ कॉन्शियस मान रहा है,
कोई एड वॉर का हिस्सा भी मान रहा है, कोई एड वॉर भी कह रहा है। जी हाँ, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस पूरी कहानी के तीन पहलू, पहला और सबसे प्रभावी पहलू आज की दुनिया में सोशल मीडिया की ताकत का, दूसरा पहलू ब्रांड, ब्रांड वैल्यू और एडवर्टाइजर्स के बदलते रिश्तों और चुनौतियों का, और तीसरा पहलू पैसे, यानी कि पूरी तरह फंड का फंडा। क्रिस्टियानो के कोका कोला कांड का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम इस कहानी के सोशल मीडिया के असर वाले पहलू की बात करेंगे, क्योंकि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक मामूली सी हरकत से 135 साल पुरानी कंपनी के कल पुर्जे हिल जाते हैं तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण है, और वो कारण ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल की दुनिया के सुपरस्टार हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सोशल मीडिया पर 55 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो पैसा लेकर एक पोस्ट करते हैं तो उन्हें 10 लाख डॉलर मिलते हैं। रोनाल्डो केवल सोशल मीडिया से करीब 4 करोड़ डॉलर कमा लेते हैं। रोनाल्डो का एक पोस्ट देखते ही देखते करोड़ों एंगेजमेंट और व्यूज पा लेता है। मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो एक बिग इन्फ्लुएंसर साबित होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक कांड के बाद तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक साफ दिख रहा है। एडवर्टाइजर्स को भी कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा इस तरीके की एडवर्टाइजिंग में, और देखिए किस तरीके से इवन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में भी देखते हैं हम कि ESG इन्वेस्टिंग हो रही है, जहां पे कई बार जो ये फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ये लोग नॉन एथिकल प्रोडक्ट्स में या सिन प्रोडक्ट्स में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो ओवरऑल एक सोशल एक्टिविज्म या अवेयरनेस बहुत बड़ी हो गई है। और देशित में आपको एक ऐसा आम दिखाते हैं जो आम नहीं है। जी हाँ, मतलब आम आम नहीं है, ये बहुत खास है। करोड़ों भारतीय देख तो सकते हैं लेकिन खाने और खरीदने के बारे में शायद किसी के लिए सोचना भी मुश्किल होगा। बहुत खास है, 2.5 लाख रुपए किलो आम, 2.5 लाख रुपए किलो। यह आम मध्य प्रदेश के जबलपुर में उगाया गया, वो भी बंजर जमीन पर। इस आम की सुरक्षा के लिए 4 गार्ड्स लगे हुए हैं, 9 कुत्ते रखे गए हैं सुरक्षा के लिए। आम आम नहीं है, ये बहुत खास है, ताकि एक आम की भी चोरी ना हो सके। इन आमों में देशित यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए किलो बिकने वाला ये आम सिर्फ किसानों के लिए एक मिसाल है कि वो वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकते हैं और गरीबी से निकल भी सकते हैं। 2.5 लाख रुपए किलो आम। बैंगनी रंग के इस आम का सिर्फ रंग ही नहीं, कीमत भी हैरान करने वाली है। इसकी कीमत सुनकर शायद आप इसे खाने का ख्वाब ही छोड़ दें। शायद आप विश्वास ना कर पाए कि इस आम की कीमत 2.5 लाख रुपए किलो तक हो सकती है। आम फलों का राजा है तो बैंगनी रंग का ये आम कीमत का बादशाह, इसीलिए इसकी सुरक्षा भी खास है। आम की सुरक्षा के लिए 4 गार्ड्स हैं, 9 कुत्ते हैं। ये करोड़पति आम का बगीचा मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगाया गया है। एक्चुअली जो जापानी प्रजाति की हमारे यहाँ 6 मैंगो करीब हमारे बगीचे में है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, वो टोरेंगो दी टैमेगो है। क्योंकि शुरुआत में हमको भी नहीं मालूम था कि इतना कॉस्टली मैंगो है, बट नॉर्मल वे में लगाया था इसको हम लोगों ने। और जैसे अन्य बच्चे हमारे यहाँ पर बगीचे में है, मल्लिका है, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, उन्हीं बच्चों के साथ इनको भी प्लांटेशन किया था इन बच्चों का। और इन बच्चों ने कोई खास डिमांड भी नहीं करी कि हम कुछ अनोखे हैं, तो और फिर उनका जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जब फल आए और फलों का कलर हुआ, तो लोग इसको निहारते रह गए। हम लोग खुद भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखे हैं तो उसके बाद जो निरंतर रोजाना देखते थे, तो जो कलर ये इसका चेंज होता गया, और अंत में जब ये पूरी तरह पक के तैयार हुआ तो बिलीव नहीं कर पाए, इससे खूबसूरत फल कभी देखा नहीं था हम लोगों। कोरोना काल में भारत की मदद के नाम पर बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा कि भारत के लोगों की मदद के लिए जुटाए गए करोड़ों रुपए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को पहुंचाए गए हैं। भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा जी मीडिया पर आज सबूतों के साथ होने जा रहा है। हमारे पास इससे जुड़े दस्तावेज भी। जिस इन्फो, ये जो लैब की रिपोर्ट है, ये कोविड
एग स्कीम 2021 के नाम से ये पब्लिश हुई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। खुलासा नंबर ए, कोरोना काल में भारत की मदद के नाम पर इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी IMANA नाम के NGO ने हेल्प इंडिया ब्रीद के नाम से मुहिम चलाई और 158 करोड़ रुपए चंदे के रूप में जुटा लिए और उन रुपयों में बड़ा हिस्सा आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के आतंकी संगठनों को भेजा गया। US में स्थित एक NGO ने भारत में कोविड महामारी के नाम पर करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर इकट्ठा किया और इस पैसे को पाकिस्तान भेजा गया और यह पैसा फिर आतंकी संगठनों को दिया गया। खुलासा नंबर दो, हेल्प इंडिया ब्रीद के पीछे साजिश ये थी कि भारत की मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जाए और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। दरअसल इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका में IMANA नाम के एक NGO है जिसको इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं और इस NGOs ने पिछले महीने पूरे अमेरिका में कैंपेन चलाई जिसका नाम रखा गया हेल्प इंडिया ब्रीद, भारत को मदद करने के नाम पर। ये जो IMANA ग्रुप है इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए। खुलासा नंबर तीन, अमेरिका स्थित IMANA NGO का अध्यक्ष पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक डॉक्टर इस्माइल मेहर है। अगर हम जिस इन्फो लैब की रिपोर्ट की बात करें तो इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है इस्माइल मेहर, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तानी ये नागरिक हैं, पाकिस्तानी मूल के ये शख्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं। और इस जो डिस इन्फो लैब की रिपोर्ट है इसमें ये साफ कहा गया है, जो इस्माइल अब्दामन मेहर के बारे में हम बोल रहे हैं इसमें देखिए इनकी नेशनलिटी साफ कही गई है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन US सिटीजन है। खुलासा नंबर चार, IMANA की वेबसाइट पर भारत के लिए करोड़ों के मेडिकल उपकरण खरीदने के दावे तो किए गए लेकिन ये उपकरण भारत पहुंचे ही नहीं। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि एयर इंडिया से इस तरीके से कोई भी शिपमेंट डिलीवरी भारत में नहीं हुई। इसराइल पर बलून बम से हमला करने वाले फिलिस्तीन कट्टरपंथियों के संगठन हमास को भी भारत के लिए जुटाए गए फंड से मोटी रकम दी गई। पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक जिस IMANA NGO को चलाता है, जी मीडिया की टीम उस NGO तक भी पहुंची। क्या हुआ ये आपको आगे बताएंगे। हमने चंदे वाली टेरर साजिश पर विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। NGO के दावे की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमने NGO विशेषज्ञ से भी बात की, उन्हें क्या लगता है ये भी आप आगे जानेंगे। आपको पता चलेगा कि भारत के खिलाफ आतंकवादियों की फंडिंग के पीछे कैसे भारत के नाम का इस्तेमाल किया गया। तो तैयार हो जाइए, कोविड काल में सबसे बड़ी इंटरनेशनल टेरर साजिश का सच जानने के लिए। नमस्कार, देशित में अब आपके साथ मैं अवधि त्यागी और ये खुलासा है फंड आतंकवाद पर। ये खुलासा है भारत के नाम पर जुटाए पैसे से भारत के ही खिलाफ रची गई साजिश को लेकर। ये खुलासा है मानवता के साथ सबसे बड़े विश्वासघात पर और ये विश्वासघात किसी और ने नहीं IMANA नाम के एक NGO ने किया है जो संचालित होता है अमेरिका से लेकिन इसे ऑपरेट करता है, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी सुना, एक पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक डॉक्टर इस्माइल मेहर। अमेरिका स्थित डिसइन्फो लैब नामक संस्था COVID-19 स्कैम 2021 नाम से IMANA पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक IMANA ने कोरोना काल में भारत की मदद के नाम पर करोड़ों का फंड जुटाया, उसमें से बड़े हिस्से को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को पहुंचा दिया गया और इसी बड़ी साजिश को लेकर और क्या डिटेल्स हैं जी मीडिया की इस पड़ताल में देखिए। अप्रैल 2021, भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के बड़े बड़े शहरों में अफरा तफरी मची थी। इसी दौरान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी IMANA नाम के NGO ने भारत की मदद के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए हेल्प इंडिया ब्रीद मुहिम चलाई।
इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे जुटाएगा। इसका लक्ष्य करीब 1,80,00,000 लोगों से चंदा जुटाना था। मुहिम के तहत हर घंटे करीब 73,00,000 रुपए जमा हो रहे थे। अमेरिका में रह रहे भारतीय और अमेरिकी नागरिक काफी संख्या में चंदा दे रहे थे। कुछ ही दिनों में IMANA के पास 158 करोड़ रुपए जमा हो गए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन चंदा जमा होते ही IMANA ने अपना असली DNA दिखा दिया। अमेरिका स्थित डिसइन्फो लैब नाम की संस्था ने IMANA पर COVID-19 स्कैम 2021 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। अमेरिका के डिसइन्फो लैब की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि US में स्थित एक NGO ने भारत में कोविड महामारी के नाम पर करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर इकट्ठा किया और इस पैसे को पाकिस्तान भेजा गया और यह पैसा फिर आतंकी संगठनों को दिया गया। अगर हम देखें तो डिसइन्फो ये जो लैब की रिपोर्ट है, ये कोविड एड स्कीम 2021 के नाम से ये पब्लिश हुई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट के बाद जी मीडिया रिपोर्टर मनीष शुक्ला ने IMANA की साजिश पर पड़ताल शुरू की। पता चला कि IMANA एक अमेरिकी NGO जरूर है, लेकिन इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, क्योंकि NGO का चेयरमैन ही पाकिस्तानी मूल का है। ये रहा वो चेयरमैन। डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है इस्माइल मेहर, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तानी ये नागरिक हैं, पाकिस्तानी मूल के ये शख्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं। इस्माइल मेहर ने भारत की मदद के नाम पर करोड़ों रुपए तो जुटा लिए, लेकिन उन रुपयों को उसने पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों को भेजा जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा और सैयद सलाहुद्दीन के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को करोड़ों रुपए पहुंचे होंगे। काफी ज्यादा ये अमाउंट है, 150 करोड़ रुपए के करीब ये कहा जा रहा है कि ये IMANA जो वेबसाइट है उसने इस पैसे को इकट्ठा किया। और अगर ये पैसा आया नहीं भारत में तो फिर ये पैसा गया कहाँ? तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये पैसा जो है ये पाकिस्तान भेजा गया, और इसमें बकायदा एक ग्राफ के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से IMANA ने पैसा इकट्ठा किया। देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें ये कहा गया कि उसकी मेंबर जो है FIMA है जो, और उसके बाद ये जो पैसा है ये जमात इस्लामी के पास गया, और जमात इस्लामी से कनेक्टेड सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है और लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद के संगठन के पास ये पैसा गया होगा, ऐसी इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के जो NGOs हैं या पाकिस्तान के टेरर ग्रुप हैं उनको पाकिस्तान मदद करना चाहता है, इन टेरर ग्रुप्स को उनके पास पैसे की कमी है, और ऐसी स्थिति में आतंकियों को मदद के लिए ये एक दूसरा तरीका ढूंढा गया। सिर्फ यही नहीं, डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक IMANA ने भारत के नाम पर इकट्ठा किए पैसे हमास को भी भेजे, जिसे इसराइल आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। सोचिए भारत की मदद करने वाली भावनाओं का इस्तेमाल इस NGO ने किस तरह आतंकवाद की मदद के लिए। जिस तरीके से भारत ने US को मदद की थी पहले, और जो US के प्रेसिडेंट बाइडेन उन्होंने ये कहा था कि वो भारत को बहुत जल्द मदद करने वाले हैं, उस सेंटिमेंट का फायदा ये कहा जा रहा है कि ये जो IMANA है, जो NGO है, उसने उठाया। और US के लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इस NGOs को डोनेट किए, और ये पैसा पाकिस्तान भी गया और ये पैसा हमास के पास भी गया, जो फिलिस्तीन में जो टेरर ग्रुप है, जो लगातार आपने देखा होगा कि वो इसराइल पर वो अटैक कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ से भी बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। The funds collected by IMANA on the pretext of helping India during the ongoing COVID pandemic have not come to Indian relief agencies, but in all likelihood have been funneled to terrorist organizations which Pakistan supports. IMANA is a US-based Pakistani organization, and Pakistan has for long been a state sponsor of terrorism across the world.
India's diplomats in the US, along with our intelligence agencies, need to expose the rot that exists in such organizations so that US federal agencies can carry out a full-fledged investigation into their activities. अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के हित में एनजीओ की आड़ लेकर इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और वो भी भारत के खिलाफ, ऐसे में विदेश मंत्रालय को जगाना जरूरी हो जाता है। जी मीडिया की टीम ने विदेश मंत्रालय प्रवक्ता से सवाल पूछे। वी हैव सीन मीडिया रिपोर्ट्स इन दिस रिगार्ड। आई डू नॉट हैव एनी फर्दर डिटेल्स टू शेयर फॉर द मोमेंट एंड वी आर ट्राइंग टू एसर्टेन मोर इन्फॉर्मेशन एज सून एज वी हैव समथिंग। I'd be happy to share them with you. विदेश मंत्रालय जानकारी जुटाने में लगा है, लेकिन भारत की मदद के नाम पर फंड जुटाकर उसे पाकिस्तान के आतंकवादियों तक पहुंचाना, ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए इस खुलासे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में ये एक जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं इस रिपोर्ट को लेकर के चौकस हो गई हैं और इस बात की जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल में कितना पैसा इकट्ठा हुआ और पाकिस्तान के जो आतंकी गुट हैं अगर उनके पास पैसे गए हैं तो कितना पैसा गया और किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होना है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो दावा किया गया भारत की मदद की जाएगी, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि दुनिया भर में भारत के चाहने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग दुनिया भर में हैं जो भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत से लगाव है उन्हें, और कोरोना काल में भारत की मदद के लिए वो चंदा देने के लिए आ गया है। उनके साथ इसे एक बड़ा विश्वासघात ही माना जाएगा जो IMANA नाम के इस NGO ने किया है। अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे लोगों की भावनाओं से ये NGO खेलता रहा, कैसे भारत की मदद को लेकर फर्जी दावे किए गए। जब हमने पड़ताल की तो IMANA से जुड़ी और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक IMANA NGO के जरिए लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। आतंकवादी संगठनों की मदद करने वाला NGO भारत के नाम पर चंदा जुटाने के लिए मेडिकल उपकरणों से लेकर फूड पैकेट की तस्वीरें वेबसाइट पर अपलोड कर रहा था। साथ ही फंड कलेक्शन यानी कुल जमा रकम को भी अपडेट किया जा रहा था। जिस तरीके से IMANA ने ये दावा किया था, कुछ पिक्चर्स इन्होंने रिलीज की थी जिसमें कहा गया था कि वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो रिलीफ मटेरियल है वो इकट्ठा कर लिया है। जैसे अगर आप देखें तो लगातार वहाँ कैंपेन चलाए जा रहे थे कि कितने पैसे अब तक इकट्ठे हो गए हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो 1.8 करोड़, 3.7 करोड़, 5.5 करोड़ और इस तरीके से हेल्प इंडिया ब्रीथ के नाम पर यहाँ पिक्चर्स कई शेयर की गई जिसमें ये कहा गया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भारत भेजने वाले हैं। इसके साथ ही कई पैकेट्स जो राहत सामग्री है उसकी पिक्चर्स भी शेयर की गई और ये बताया गया कि इसको एयर इंडिया के ज़रिए अब बस भेजा जाने वाला है, उसको भेजा जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि एयर इंडिया से इस तरीके से कोई भी शिपमेंट डिलीवरी भारत में नहीं हुई। IMANA के मुताबिक उसने कोरोना काल में भारत के लोगों की मदद करने के लिए 5,60,00,000 रुपए के मेडिकल उपकरण खरीदे और उसे एयर इंडिया के जरिए जल्द भारत भेजने की बात कही थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये उपकरण कभी भारत पहुंचे ही नहीं। अब डिसइन्फो की रिपोर्ट में दिए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 29 अप्रैल को IMANA की वेबसाइट पर दावा किया गया कि भारत को 21,000 मास्क भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा 14 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी भेजे जाएंगे, लेकिन हकीकत में एक भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या मास्क नहीं भेजा गया। इसी तरह 30 अप्रैल को 208 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 40,950 मास्क भारत भेजने के दावे किए गए, लेकिन हकीकत में ये दावा गलत निकला। 7 मई को भी 450 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत भेजे जाने थे, लेकिन ये मेडिकल उपकरण भारत पहुंचे ही नहीं। एक तारीख दिख रही है 12 मई, जहां IMANA ने 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत भेजे। हमने IMANA से आए मेडिकल उपकरणों की पड़ताल की तो पता चला कि गुजरात सेवा वेलफेयर ट्रस्ट को कुछ मेडिकल उपकरण मिले हैं। इस संस्था के ट्रस्टी मोहम्मद सलमान शेख का दावा सुनिए। कॉन्सेंट्रेट मशीन 5 लीटर वाले IMANA उनके ट्रस्ट के अंदर से हमको भेजा। IMANA फाउंडेशन नाम से उनका ट्रस्ट है, उसके जरिए उन्होंने हमको यहाँ पर शिपमेंट भेजा।
हमारी पड़ताल के दौरान जो बातें सामने आई उस पर हमने इमाना का पक्ष जानना चाहा। 16 जून को हमने उस एनजीओ को ईमेल किया जिसका जवाब अब तक नहीं आया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इमाना की ओर से भारत की मदद के नाम पर 158 करोड़ रुपए जुटाए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ हिस्सा उसने भारत भेजा और बाकी मदद के सामान सिर्फ वेबसाइट पर दर्ज रहे। अब जांच होनी चाहिए कि भारत की मदद के नाम पर जुटाए चंदे की रकम कहां है, और अगर रकम आतंकवादी संगठन तक पहुंची तो फिर कार्रवाई कब होगी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो कार्रवाई को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है और भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि उसे इसके बारे में जानकारी है और डिटेल्स इस वक्त जुटाई जा रही हैं और उसके बाद एनएसए की तरफ से एक प्रॉपर रिस्पांस एक्सपेक्टेड है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।